सिटी कोतवाली भिंड में बकराईद त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें तमाम समाज सेवियों ने ईद उल जुहा का त्योहार भाईचारे व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। 3 घंटे चली इस बैठक में सभी धर्म के लोग शामिल थे। यहाँ सर्व समाज सेवियों ने एक मत होकर कहा कि किसी भी धर्म या समाज का त्योहार हो, हम सब मिलजुल कर मनाते आए हैं, आगे भी ईद का त्योहार एक दूसरे के गले मिलकर ही मनाएंगे। हमारे भिंड शहर का हमेशा से ही गंगा जमुना तहसीब रहा है। वहीं ईदगाह व मस्जिदों में साफ सफाई के इंतजाम भी कर लिए गए। मस्जिदों के सामने वजू के लिए एक एक टैंकर पानी रखने की भी प्रशासन से गुजारिश की गई। पुलिस प्रशासन ने सभी धर्मों के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बैठक में पुलिस अधिकारियों के अलावा मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी शिरकत की। भिंड से हजरत अली की खास रिपोर्ट। होती है तो उसको कोई भी हमारे जो अपने घरों में बच्चों को जाकर समझाते हैं कि उसका कोई भी व्हाट्सअप वगैरह पे फेसबुक वगैरह पे उसका प्रचार ना करें, ये हमारा निवेदन है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे से इतने अखलाक और मोहब्बत से है, भरोसेमंद, कि वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। उसमें दोनों कोतवाली जो है सिटी और देहात के टीआई भी शामिल हुए और हमारे जो मुअज्जज जो लोग हैं इसके सदस्य हैं वो भी शामिल हुए। इसमें जो है यही तय किया गया कि जो है कहां कहां नमाजें होंगी उसकी लिस्ट दे दी गई है। साफ सफाई व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया है, लाइट वगैरह ना जाए, पानी वगैरह सही मिले और शांति के साथ हम पूरे शहर में जिस तरह हमेशा से जो ईद मनाते हैं हम लोग उसी तरह से जो है मनाएंगे, ये उसमें तय हुआ है। ईद का त्यौहार है 10 तारीख को, उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से लगाएं और शांति अमन चैन के साथ में ईद को मनाएं। इसी संदर्भ में सीएमओ साहब भी यहाँ उपस्थित रहे, उनसे विचार विमर्श किया गया। कुछ कोई समस्याएं तो नहीं है, इस बारे में भी उनसे चर्चा की गई और शांति के साथ में ईद मनाने का उनसे रिक्वेस्ट किया गया। जैसा भी जो अभी तक अभी इनके यहाँ करीब 10 जगह ऐसी हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, वहाँ पर जो भी प्रॉपर कोर्स लगेगा वो पूरा इंतजाम लगाया जाएगा। उन्होंने साफ सफाई को लेकर के भी बताया है, तो इसलिए सीएमओ साहब भी उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि वो पूरी साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था को देख लेंगे।